आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। झारखंड में घुसपैठ बड़ा संकट, कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, बोले पीएम मोदी। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सीजेआई फैसला लेंगे। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी। दिल्ली में एक ही बार मिलेगा पानी, बर्बादी पर चालान की तैयारी, आम आदमी पार्टी सरकार ने दबाया पैनिक बटन। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, 12/7 और जादवपुर में जनसभा, कोलकाता में रोड शो, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देंगे। लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में 904 उम्मीदवारों में से 199 नेताओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड। 2 दिन हीटवेव का अनुमान, फलोदी में पारा 49.4 डिग्री, लगातार तीसरे दिन देश में सबसे गर्म, झांसी में 132 साल बाद सबसे ज्यादा गर्मी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी, रॉक मेमोरियल में लगाएंगे ध्यान। राहुल बोले मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें परमात्मा ने धरती पर अडानी अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। चुनावी नतीजों से पहले बाजार में मचा हाहाकार, लगातार तीसरे दिन सेशन में निफ्टी 44 अंकों से ढेर। पाटलिपुत्र से 3 बार हारने के बाद इस बार जी तोड़ कोशिश में लगा लालू परिवार। लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने नौकरशाही में किया फेरबदल, कांग्रेस ने उठाए सवाल। नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। भारत का लोकतंत्र परिपक्व, मतदाता किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाला नहीं, बोले पीएम मोदी। बड़ा मंगल पर बजरंगबली के मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, पीएम मोदी की जीत के लिए हुई खास पूजा। 4 जून के बाद पटनायक हो जाएंगे ओडिशा के पूर्व सीएम, अमित शाह का बीजू जनता दल पर तंज। बंद होगी 27 किलोमीटर की माइलेज वाली सस्ती 7 सीटर कार, कीमत 5.33 लाख से होती है शुरू। भाषण के दौरान ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के हाथ कांपते वीडियो वायरल, पांडियन पर फूटा लोगों का गुस्सा। आतिशी के कोर्ट का समन मिलने पर अरविंद केजरीवाल बोले मैंने पहले ही कहा था कि वो गिरफ्तार करेंगे। मोदी गए अब 4 जून के बाद केंद्र में सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दावा। रेमल तूफान से बंगाल में 6, बांग्लादेश में 10 मौतें, बंगाल के दक्षिण तटीय इलाकों के 29,000 घर क्षतिग्रस्त, 15 लाख लोग बिना बिजली के। अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दे, बोले राहुल गांधी। दस्तक देने ही वाला है मानसून, पर अभी झेलना होगा 50 डिग्री का टॉर्चर, अगले 3 से 4 दिनों में मानसून केरल में दस्तक देगा। अमित शाह बोले आतंकियों और पत्थरबाजों के परिवार को जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं। इंडिया ब्लॉक की 6ठी बैठक 1 जून को संभव, ममता शामिल नहीं होंगी, बोली मेरे घर में चुनाव है, साइक्लोन रिलीफ को भी देखना है। प्रियंका गांधी बोली मेरा दिल हिमाचल में बसता है, कहा पीएम ने चोरों की तरह सरकार गिराने की कोशिशें की, खुद को देवता समझते हैं। मोदी बोले राहुल केजरीवाल को पाकिस्तान से समर्थन चिंता की बात, इसकी जांच हो, प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला पार्टी मैनिफेस्टो में आर्थिक मदद का वादा भ्रष्टाचार नहीं, ये दूर की कौड़ी है, इस सवाल पर विचार करने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का वीडी सावरकर पर विवादित बयान, पुलिस बोली जांच में शिकायत सही मिली, सावरकर के पोते ने मानहानि केस दर्ज कराया है। पटना में राहुल का मंच धसा, पीएम नहीं बनेंगे, कहा ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते हैं, मैं नहीं, बोले पीएम मोदी। बीजेपी विज्ञापन केस सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर विचार से इनकार, कोर्ट ने कहा प्रतिद्वंदी दुश्मन नहीं है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाई थी। केजरीवाल बोले मोदी जी को घमंड हो गया, खुद को भगवान का अवतार बता रहे हैं, अमित शाह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की धमकी दी। दिल्ली सीएम के पीए की जमानत याचिका खारिज, मालीवाल ने कहा था विभव का रसूख मंत्रियों जैसा, उसे बेल मिली तो मुझे खतरा। राजकोट हादसे पर हाईकोर्ट बोला अफसरों की आंखें बंद थी, गेम जोन बिना परमिशन चल रहे थे, यह बात 28 मौतों के बाद पता चली। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे, आईटी सेक्टर ने एक योजना से 20,000 कर्मियों की छुट्टी की। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेनवन्ना ने वीडियो जारी किया, कहा 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होऊंगा, मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। प्राइवेट स्कूलों को लौटाने पर फीस के 81.30 करोड़ रुपए, जबलपुर में 11 निजी स्कूलों पर 22 लाख की जुर्माना, 51 पर FIR, 20 गिरफ्तार।
नक्सलियों की धमकी के बाद वैद्यराज मांझी लौटाएंगे पद्मश्री, कहा इलाज भी कर देंगे बंद। 11 करोड़ खाने की बात गलत, वाई कैटेगरी की मिली सुरक्षा। प्रियंका गांधी बोली आपदा में मोदी एक बार हिमाचल नहीं आए, कहा बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरबपतियों का हाथ हो। अमित शाह बोले केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया, कहा सीएम मान पायलट बनकर जाते हैं, पीएम ने सिख गुरुओं का सम्मान किया। महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के चलते धारा 144 लागू, भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी हुई, फलोदी देश का सबसे गर्म शहर, तापमान 50 डिग्री। तूफान रेमल का बांग्लादेश तट पर लैंड फॉल हुआ, अगले कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ निर्माण शुरू, 320 भूई हर दिन 14 घंटे काम कर रहे हैं, एक बार भोजन करते हैं, लहसुन प्याज त्यागा। मोदी बोले योगी जी अच्छे अच्छों की गर्मी निकालने में एक्सपर्ट, देवरिया में कहा माफिया के महल की जगह गरीबों के घर बन रहे हैं, यूपी में माहौल बदला। प्रियंका गांधी बोली मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई, कहा सास से पंजाबियत की बातें सीखी, पीएम सोच रहे हैं देश की महिलाएं बेवकूफ है। सेंसेक्स 220 अंक फिसल कर 75,170 पर बंद, निफ्टी में भी 44 अंक की गिरावट, रिजल्ट के बाद LIC का शेयर 2% टूटा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत, रंजीत सिंह हत्याकांड में किया बड़ी। इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते ही खत्म कर देंगे 50% की लिमिट, राहुल गांधी का आरक्षण पर बड़ा बयान। स्वाति मालीवाल बोली ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाया, इसके बाद रेप हत्या की धमकियां बढ़ गई, वे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इंस्टेंट लोन सुविधा शुरू की, पॉलिसी होल्डर्स को 1 मिनट में मिलेगा 1 लाख रुपए का लोन। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे, फिर राज्य का दर्जा देंगे, 5 साल के अंदर UCC लाएंगे, एक साथ चुनाव भी करवाएंगे। ICICI पर 1 करोड़ रुपए और यस बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना, लोन और ग्राहक सेवा में मानकों का पालन नहीं किया, RBI ने लगाई पेनाल्टी। रक्षा मंत्री बोले देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते, अगले 5 साल में वन नेशन वन इलेक्शन होगा, केजरीवाल वर्क फ्रॉम जेल वाले पहले CM। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, कई माओवादियों को गोली लगने की खबर, शव और हथियार बरामद। सरकार ने फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए कहा, इन कॉल्स के आने पर भारतीय मोबाइल नंबर दिखाई देते हैं, संचार साथी पर शिकायत कर सकते हैं लोग। आज सोने चांदी में तेजी, 10 ग्राम सोना 72,336 रुपए का हुआ, चांदी फिर 92,000 रुपए के पार निकली। सोनीपत में रबर की फैक्ट्री में भीषण आग से सिलेंडरों में ब्लास्ट, 40 से ज्यादा श्रमिक झुलसे। भारत पे और फोन पे ने सुलझाया ट्रेडमार्क विवाद, दोनों कंपनियों के बीच पे को इस्तेमाल को लेकर पिछले 5 साल से विवाद चल रहा था। 4 जून को इंडी वालों के आंसू गिरेंगे, तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का पलटवार। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। हरियाणा ने यदि दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल सरकार ने दी धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 4 जून को रचा जाएगा नया इतिहास, बंगाल में बड़ी संख्या में खिलने जा रहा है कमल।